जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अयोध्या में हैं, अयोध्या में ट्रैवल और फूड दोनों की वीडियोस बना रहे हैं। ये अभी जहां हम लोग आए हैं, पीछे आप मेरे देख सकते हैं भीड़ लगी हुई है, अमावा राम मंदिर इसका नाम है और यहां पे निःशुल्क भोजन दिया जाता है। और एक और अच्छी बात यह है कि हमारे पटना में जो महावीर मंदिर है ये उसके सौजन्य से यहाँ पर है, 2019 से यहाँ पर निःशुल्क भोजन का वितरण किया जा रहा है, लोगों को खिलाया जा रहा है। तो हमने सोचा इस चीज़ को कवर करना तो बनता ही है, तो बस आ गए। क्या प्रक्रिया है और किस तरह आप आएंगे तो यहाँ पे भोजन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस पूरी वीडियो में आपको बताई जाएंगी। तो बस मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हैं फूडी रॉबिन, अयोध्या की एक और वीडियो लेके आप। लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल ट्रैवल विथ रॉबिन पे जाइए, सारी वीडियोस वहाँ पे आ गई हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है राम रसोई और आप जो सामने मेरी ये भीड़ देख रहे हैं, लाइन लगी हुई है, ये है पर्ची कटाने के लिए की, और यहाँ पर फ्री में खाना खिलाया जाता है। सामने आपको अपना आधार कार्ड देकर, आधार कार्ड का नंबर लिखवा कर पर्ची कटानी होती है और फिर यहाँ आगे भोजन की व्यवस्था है। एक बार में 500 लोग बैठ के यहाँ पर भोजन करते हैं। तो आइए आपको अंदर की चीज़ें दिखाते हैं। और ये देखिए मंदिर वहीं बन रहा है। राम रसोई का इंचार्ज हूँ और इधर राम मंदिर का दर्शन के लिए आया है श्रद्धा लोग का, हर आदमी को इधर भोजन खिलाया जाएगा। सुबह 11:30 बजे से हमेशा प्रतिदिन 3 बजे तक चलता रहेगा। ये राम रसोई पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर द्वारा संचालित है, जो 1 दिसंबर 2019 से अनवरत रामलला के आए हुए श्रद्धालुओं के लिए ये संचालित होता रहा है। इधर मेनू में पूरी, चावल, दाल, सब्जी, दो तरीका सब्जी रहेगा, पापड़, चावल, तिलौरी पेट भर खिलाया जाएगा। ये पूर्णतः निःशुल्क है, यहाँ किसी भी प्रकार का दान स्वीकार नहीं है। 2500 आदमी से 3000 आदमी तक हमेशा प्रतिदिन खाता है। पटना के महावीर मंदिर के सचिव श्री आचार्य किशोर कुणाल जी के आशीर्वाद से यह राम रसोई निरंतरन चलाया जा रहा है। जय सियाराम, जय जय सियाराम। पूड़ी है, दो तरह की सब्जी है, दाल है, दाल में घी डाली गई है, चटनी है, चावल है और पापड़ है, और इतनी सारी चीज़ें हैं आपको, वो भी निःशुल्क। स्वाद लेके बताएं, वैसे स्वाद का क्या ही बताएं, प्रसाद है एक तरह का, तो प्रसाद किसी भी रूप में हो वो अच्छा ही लगता है। तो बस श्री राम का नाम लेते हुए ग्रहण करते हैं। बहुत बढ़िया, जय श्री राम। भोजन हमने कर लिया, बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम सात्विक, मन प्रसन्न कर देने वाला भोजन था। आपने भी जानकारी ले ली, तो अगर आप आ रहे हैं अयोध्या तो आप भी चाहें तो यहाँ पर भोजन का आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, साफ़ सुथरा खाना आपको मिलेगा। थोड़ी सी लाइन लंबी लगेगी लेकिन थोड़ा समय निकाल के आइएगा, इंतज़ार कर लीजिएगा। तो बस इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, मज़ा आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बस मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हैं फूडी रॉबिन और इस वक्त मैं हूँ अयोध्या में। अच्छा हाँ, अयोध्या की पूरी ट्रैवल सीरीज़ आई होगी मेरे दूसरे चैनल ट्रैवल विथ रॉबिन पे, वहाँ ज़रूर जाके देखिएगा, सारी जानकारी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो बस मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खाते रहिए जनाब। जय श्री राम।